नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, छत्तीसगढ़ में 200 प्लांट होंगे बंद। जी हां, आज रात से लगभग 200 प्लांट बंद रहेंगे। स्टील उद्योगपतियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। 2 लाख से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ेगा। बड़ी बिजली दरों को लेकर यह फैसला लिया गया है। बता दें, बढ़ी हुई बिजली दर से उद्योग चलाना मुश्किल हो चुका है, ये कहना है उद्योगपतियों का। मांगे पूरी नहीं होने पर एक एक कर प्लांट बंद होंगे। 25% की विद्युत दर में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, उसके कारण हम लोगों के यूनिट्स अनवायबल हो गए हैं बाकी राज्यों की अपेक्षा। तो इसके कारण हम लोगों ने सबने निर्णय लिया है कि अपने अपने प्लांट को भारी आर्थिक नुकसान के चलते स्वतः बंद कर दे रहे हैं आज रात को 12 बजे से। जो डायरेक्ट हम लोग आज बात कर रहे हैं, जो मिनी स्टील प्लांट है और फेरो एलॉयज है, जो लगभग 200 यूनिट्स हैं, वो आज रात से बंद हो रही है। और साथ ही साथ जैसे हमारे ऊपर आधारित उद्योग रहते हैं, स्पंज आयरन उद्योग हैं या रोलिंग मिल्स हैं, जो हमारे से कच्चा माल या तो हम लोग लेते हैं स्पंज आयरन से या रोलिंग मिल को हमारा प्रोडक्ट जाता है, वो भी धीरे धीरे अगर हम लोग बंद होंगे तो स्वतः कुछ दिनों में वो भी अपने आप बंद होते जाएंगे नेक्स्ट फेज में। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, स्टील प्लांट आज से स्ट्राइक पर जा रहे हैं और ये स्ट्राइक पर रहेंगे तो क्या इसका प्रभाव, क्या असर देखने को मिलेगा? चूंकि मांग भी इनकी कई सारी है, बिजली की बढ़ी हुई दरों का विरोध भी ये लगातार करते आ रहे हैं, कई सारी मांगे भी रख रहे हैं। क्या अभी तक किसी ने संज्ञान लिया, अभी क्या तस्वीर, बताइए। जितने भी उद्योगपति हैं उनकी बैठक आयोजित की गई थी, उनका कहना है कि विभागीय अधिकारियों को, यहाँ तक के सरकार को भी इस समस्या को लेकर अवगत कराया गया था, और चूंकि बात नहीं बनी तो आज से ही सभी जो उद्योगपति हैं, लगभग 200 जो उद्योग हैं, वो एक साथ बंद हो जाएंगे। और अगर हम इसकी असर की बात करें तो इनकी जो सहायक उद्योग है, जिनसे ये कच्चा माल का लेन देन करते हैं या फिर अन्य रोलिंग मिल है, उसका भी इस अगर ज्यादा दिनों तक बंद रहेगा तो उसका भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। फिलहाल अगर इन उद्योगों की बात करें तो जो लाखों जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वहां पर जो काम करते हैं, उनकी भी रोजी रोटी पर बन आएगी। अब ये बात भी तय है कि जब आंदोलन पर आ गए हैं तो आने वाले समय में सरकार जरूर इन लोगों से बातचीत करेगी, लेकिन अभी जो बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर के उन्होंने विरोध स्वरूप आंदोलन करने का आह्वान कर दिया है, तो देखना यह है कि इनका आंदोलन कब तक खींचता है। लेकिन ये बात तय है, चाहे बिजली विभाग हो, CSPDCL हो, तमाम कई ऐसे जिनसे ये पावर लेते हैं, जनरेट करते हैं, तो तमाम चीज का उसका जो असर है वो जरूर पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल आज से बंद का आह्वान अगर किए हैं तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। जी, वाकई इसका असर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ हमने देखा भी, राजनीति भी लगातार कांग्रेस पूरे मामले को लेकर के घेर भी रही है। कई मांगे पर, मांगों पर ध्यान दिया गया पर बातचीत नहीं बनी, ये भी बड़ी बात है। पर अब जब ये इतने सारे प्लांट के उद्योगपति पहुंचेंगे और स्ट्राइक करेंगे तो इसका क्या खासा असर पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा युगल। बीजापुर में 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 लाख का इनामी सहित 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया। कई नक्सल घटनाओं में ये शामिल रहे हैं। बता दें, इस साल 137 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनमें 1 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। 14 नक्सलियों का सरेंडर, कई सारी नक्सल घटनाओं में ये शामिल रहे हैं। और ये भी आपको जानकारी दे दें, लगातार सरकार भी बातचीत आगे बढ़ाने की बात कहती आई है कि हम चाहते हैं बातचीत हो, और कहीं ना कहीं ये आत्मसमर्पण सभी करें, अलग अलग तरह से अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि इन्हें नक्सलवाद से कहीं ना कहीं छुड़ाया जाए। नक्सली घटनाओं में जो ये लिप्त रहते हैं, इनसे छुड़ाया जाए, कोशिशें लगातार सरकार की ओर से भी जारी हैं। जवान अपने एंड पर भी सभी कोशिशें कर रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है। कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के अभियानों का, बातचीत का ये असर हमें देखने को मिल रहा है कि 14 नक्सलियों ने फिर सरेंडर किया है। अब तक इस साल की अगर हम बात करें, 137 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
बलरामपुर के सामरी थाना इलाके में बॉक्साइट माइंस में आग लगने का आरोपी लगाने का आरोपी जो है एक नक्सली गिरफ्तार किया गया। इस पर टाटी झारिया की माइंस में 4 और 13 जुलाई को आगजनी का आरोप है। अरेस्ट नक्सली झारखंड के लातेहार में नक्सली संगठन JJMP पप्पू लहारा संगठन का एरिया कमांडर है। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, नक्सली लेटर पैड बरामद किया है। रायपुर में ठगी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरेस्ट हुआ है। बता दें, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर यह ठगी किया करता था और अब गिरफ्तारी हुई है। इसके खिलाफ 80 थानों में FIR की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 10 कार बरामद की गई है, 4 मोबाइल, लैपटॉप, 7 डेबिट कार्ड बरामद किए गए, 8 लाख रुपए बैंक खाते में होल्ड किए गए हैं। जगदलपुर में पुलिस ने फर्जी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड को लेकर बड़ा खुलासा किया। अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि ये 76 ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में अधिक पैसे कमाने का एड सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। इसके झांसे में आने वाले लोगों को लालच देकर निवेश कराते थे। इस गिरोह ने लोगों से 28 लाख रुपए ठगे थे। आरोपियों से पुलिस ने 8 मोबाइल, 3 स्वाइप मशीन, 2 स्कैनर और कई पासबुक क्रेडिट कार्ड बरामद किए। नगर नार थाना क्षेत्र में प्रार्थी अजीत सिंह ठाकुर के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि उनको शेयर ट्रेडिंग के नाम पे एक ऐप डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आया था। उन्होंने ऐप डाउनलोड किया ICICI सिक्योरिटी के नाम से और उस पर अलग अलग करके अमाउंट्स उन्होंने डाले शेयर ट्रेडिंग के नाम से और लगभग 28 लाख रुपये की रकम उन्होंने उस शेयर ट्रेडिंग ऐप में लगा दिए थे। बलौदाबाजार के ग्राम भद्रा में मां बेटे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें, मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तफ्तीश शुरू की। जानकारी के अनुसार घर में महिला, उसकी बेटी और बेटा रहता था। पति की साल भर पहले मौत हो चुकी थी। घटना के समय बेटा घर में नहीं था। ऐसे में ये हत्या है या आत्महत्या, दोनों ही एंगल से अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हत्या कर दिया गया जिस पर से यहां पर आए। घटनास्थल चूंकि उनका स्वयं का घर है और जो सामने से लगा हुआ था, जिसे जाकर पीछे से पंचानों के साथ जाकर उसे खोले और अंदर जाकर देखने पर महिला और उनकी बेटी संतोषी का जो है डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जांच जारी है और अभी FSL की टीम आने वाली है। FSL की टीम आएगी तो फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए तो वहीं हंगामा भी करने लगे। मौत के बाद परिजन अस्पताल से डेड बॉडी ले जाने को तैयार नहीं थे। हंगामे के बाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अधीक्षक ने जांच टीम बनाने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर गए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी ऑक्सीजन नहीं मिलने से एक मरीज की मौत हो गई थी और आज जब एक और महिला की मौत हुई तो परिजन गंभीर आरोप जो है लगा रहे हैं। मेरी बड़ी मम्मी है, 3 दिन से हम लोग हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं। हम लोग कल भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, कल आए, कल एडमिट वाला कागज भी बन गया। यहाँ तक कि बोला एडमिट करो दो करके, हम सर एडमिट कर लीजिए, बहुत सीरियस थी, एडमिट तक नहीं किए उनको, बोले ठीक है, ठीक हालत में है कि मतलब जाओ डिस्चार्ज कर दो। हम लोग लेके गए, फिर उसके बाद आज फिर लेके आए, सर बहुत सीरियस है, एडमिट कर लीजिए, फिर भी एडमिट नहीं किए। जब हम जब बोतल लगाए थोड़ा सा, फिर छोड़ दिए, घर ले जाओ, पानी पी लो, पिला दो, एकदम नॉर्मल ठीक हालत में है। जब ठीक हालत में है तो फिर वो घर में कैसे एक पैर हो गई। अभी बोल रहे हैं डॉक्टर कि हम नहीं जानते हैं शांति मरावी कौन है, फिर बोल रहे हैं कि शांति यादव कौन है। कि किन परिस्थितियों में उनको भर्ती नहीं किया गया, क्यों नहीं भर्ती किया गया, इसकी पूरी जांच की जाए। निश्चित तौर पर जो उचित कार्रवाई होगी जांच के प्रतिवेदन के आधार पर, चाहे वो चिकित्सक हो चाहे कर्मचारी हो, जो भी इसमें मतलब पाया जाएगा कि मतलब उनकी स्तर पर लापरवाही हुई है, उसके लिए जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाए।
कोंडागांव का जिक्र करते हैं। सोलर लाइट फर्जीवाड़े में कांग्रेस नेता गजेंद्र राठौर का गिरफ्तार उन्हें किया गया है। साथ ही पुलिस ने जनपद पंचायत कर्मचारी इंद्र कुमार धूप को भी अरेस्ट किया। दोनों के मोबाइल और सीपीयू को बरामद कर सील कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि सोलर लाइट खरीद गड़बड़ी का मामला विधानसभा में उठा था। विधायक लता उसेंडी ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। इसको लेकर 3 लोगों पर FIR दर्ज की गई। आपको ये भी बता दें कि माकड़ी जनपद पंचायत में फर्जी आदेश निकालकर सोलर लाइट खरीदी गई। गजेंद्र राठौर, नेहा जैन और वरिष्ठ लेखा अधिकारी इंद्र कुमार ध्रुव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। कोरबा में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। तस्वीर आपको दिखाते हैं। कटघोरा थाने में हंगामा करने के बाद बीच सड़क पर जमकर हंगामा करती हुई नजर आई। सड़क पर गाड़ियों को रोकने की कोशिश उनके द्वारा की गई। भाई के साथ हुए विवाद की शिकायत दर्ज नहीं होने से ये नाराज थी। काफी देर तक ये ड्रामा रोड पर चलता रहा। कोंडागांव से बड़ी खबर है। खाद्य विभाग ने होटल और दुकानों में छापा मारा। एक्सपायरी डेट का सामान और गंदगी देखकर अधिकारी भड़क उठे। एक्सपायरी सामान को नष्ट किया गया। गंदगी पर लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस भी थमा दिया गया। जांजगीर चांपा की बात करेंगे, जहां एक शव का अंतिम संस्कार कराने के लिए परिजनों को 15 खेत पार करने पड़े। पोड़ी दल्हा गांव का ये पूरा मामला है, जहां शमशान घाट कई किलोमीटर दूर था। साथ ही पक्का रास्ता ना होने के चलते गाड़ी भी नहीं जा सकती। ऐसे में शवों को कंधे पर उठाकर शमशान घाट ले जाया गया। ये भी बता दें कि ये ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर पंचायत से लेकर जिला पंचायत के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। ये बदहाल बेबसी की तस्वीर आप देख रहे हैं जांजगीर चांपा की, जहां पर रोड नहीं है, ग्रामीण परेशान है। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में बारिश आफत बनकर बरस रही है। पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है और जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ से मुसीबत में लोग फंसे, कई तस्वीरें सामने आई। मैनपुर कला में लोगों की अर्थी जो है लोगों को अर्थी लेकर उफनती नदी पार करनी पड़ी। वहीं बाघ नाले में उफनती नदी में एक ट्रैक्टर फंस गया। बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर चालक की जान बचाई गई। तो वहीं अमलीपदर क्षेत्र में खैरा नाले पर 17 स्कूली बच्चे फंस गए, जिन्हें पानी कम होने पर सुबह सुरक्षित घर पहुंचाया गया। गौरतलब है कि जिले के बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र में 15 से ज़्यादा नाले हैं, जिस पर लंबे समय से पुल बनाने की मांग हो रही है, पर किसी ने सुध नहीं लिया। नाला के कारण मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। रोज का ऐसा व्यवस्था चल रहा है और मतलब पानी गिरा मतलब कई साल से हो रहा है, मतलब नाला कभी भी नहीं हो रहा है। कितने दिन से अटके हैं? मैं तो 2001 से बेभुख में रहता हूँ और उड़ीसा पढ़ने जाता हूँ। नाला के वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ के शिक्षक भी नहीं जा पाते होंगे? यही का जो छत्तीसगढ़ गाँव है ना, उन लोग भी नहीं जा पा रहे। आज जिस चीज का अंदेशा था आखिरकार वही हुआ। लगातार हमने पुल पुलिया का मांग किया, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। आज जिसके चलते ग्राम पंचायत मैनपुर कला में 31 वर्षीय युवक धूप सिंह नागेश जी का आकस्मिक देहांत हो गया। लगातार शासन प्रशासन का अवगत करा ही रहे थे कि हमको स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। मैनपुर विकास खंड अंतर्गत राजा पड़ाव क्षेत्र में 5 नदियां हैं, जो बड़ी बड़ी नदी हैं। अड़गड़ी है, जरीडी है, शोभा है, बाघ नाला है, गरहा नाला है। इन 5 नदियों के लिए शासन से पुल निर्माण हेतु राशि स्वीकृति हो चुकी है, परंतु पुल नहीं बनने से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। खास करके बरसात के दिनों में जो है पूरी तरह से ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय से लोग कट जाते हैं और राशन सामग्री से लेकर के स्कूली छात्र छात्राओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सारी परेशानियों को देखते हुए प्रशासन को गंभीरता से इन 5 नदियों में अविलंब पुल निर्माण कराई जानी चाहिए। पानी का प्रलय मैनपुर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 15 ऐसे नाले हैं जहां पर पुल नहीं बना है और ज्यादा बारिश होने की वजह से नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं। पुल नहीं होने से कई लोग फंस जाते हैं।
इन इलाकों में हमने देखा कि कैसे एक गांव में निधन होने पर लोग जो है उफनती नदी को में शव यात्रा निकालने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहीं पर छात्र फंस रहे हैं तो कहीं ट्रैक्टर पर लोग फंस जा रहे हैं, लोगों की जान आफत पड़ जा रहा है, कहीं पर लापरवाही की तस्वीर देखने को भी मिल रही है। अगर हम बात करें छुरा और मैनपुर इलाके में, इन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश अब तक हुई है, जिस वजह से नदी नाले उफान पर हैं। जिन गांवों में जाने के लिए पुल नहीं बना है वो टापू बन जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, आफत में जिंदगी फंस जाती है। ठीक है, मानते हैं जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रही कि वो उफनती नदी को पार ना करे, लेकिन करे तो करे कैसे, जिस गांव में जाने के लिए पुल नहीं है वो लोग अपनी रोजमर्रा जीवन कैसे चलाए। राशन लेने के लिए जाते हैं तब फंस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तब फंस जाते हैं, कोई किसान ट्रैक्टर लेके जाता है तो फंस जाते हैं। मानते हैं कहीं लापरवाही किया जा रहा है, तो लोग जहां फंस रहे हैं वहां तो लोग जो है कई सालों से नदी पर नालों पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बजट में भी ऐसे बिंद्रानगढ़ विधानसभा के विधायक जनक ध्रुव ने कहा है कि बजट में 7 पुलों को पुल बनाने की स्वीकृति मिली है, लेकिन अब जो बारिश हो रही है वो बारिश आफत बनकर लोगों पर बरस रही है और पानी का प्रलय साफ तौर पर मैनपुर इलाके में देखने को मिल रहा है, जो किसी आफत से कम नहीं है। मानसून है और इस मानसून में विकराल समस्या मैनपुर क्षेत्र में है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। सिंगरौली में 100 फीट गहरे बोरवेल में मासूम गिरा है। बता दें खेलने के दौरान बोरवेल में 3 साल की मासूम गिर गई। मौके पर डीएम और एसपी की मौजूदगी भी है। बचाव दल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। कलेक्टर ने जिंदा निकालने का आश्वासन भी दिया है। तो 100 फीट गहरे बोरवेल में मासूम गिरी है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बोरवेल में गिरने का एक और मामला सामने आया है। आए दिन हम देखते हैं कि किस तरह से लापरवाहियों की वजह से ये खुले बोरवेल छोड़ दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे इनमें गिर जाते हैं और कई बार उनकी जान भी चली जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, एक के बाद एक मामले लगातार सामने आते हैं, बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं, पर लापरवाहियों का कोई अंत नहीं है। अभी फिलहाल अपडेट दीजिए, कैसे ये हादसा हुआ, अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल रितु, आपने सही कहा कि आए दिन तमाम इस तरीके से घटना निकलकर सामने आती है, जिसके बाद जिम्मेदार महकमा जो है तो बोरवेल ढकने की बात कहता है, लेकिन उसे असल टाइम पे उसे ढका नहीं जाता है। यही कारण है कि आज जो बच्ची है, ये बच्ची खेल रही थी और खेत में इनके पिता काम कर रहे थे, उसी दरमियान जो बच्ची है तो उसका पैर फिसल गया और खुला जो बोरवेल था, और तस्वीरों के मार्फत भी देखा जा सकता है किस तरीके से जो बोरवेल है वो अगल बगल उसके फसल लगी हुई है, लेकिन उसमें जो एक ढकने का कोई प्रबंध नहीं था, यही कारण है कि बच्ची बोरवेल के अंदर चली गई है और तकरीबन 100 फीट गहरा ये बोर बताया जा रहा है और 100 फीट की गहराई में बच्ची जो है वो फंसी हुई है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है रितु कि आज बच्ची का बताया जा रहा है कि जन्मदिन भी है, तो समझा जा सकता है उसके लिए उसके परिवारजनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन था, लेकिन वो पूरा मातम में बदल गया है। हालांकि उसको बचाने की जो कवायद है वो सिंगरौली जिला प्रशासन पुरजोर लगा हुआ है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। हालांकि मौके पर कलेक्टर, एसपी और क्षेत्रीय विधायक सहित तमाम जो रेस्क्यू दल है वो भी पहुंच चुका है, और इसके लिए खास रूप से एक रेस्क्यू दल जो इसके लिए बिल्कुल वो है कि परिपक्व है, जो इसका रेस्क्यू कर सकता है वो बनारस की टीम होती है और नेशनल टीम है, उस टीम को भी यहाँ बुलाया जा रहा है और आसार है कि टीम देर रात तक यहाँ पहुंच जाएगी और उसका रेस्क्यू करना शुरू कर देगी। फिलहाल जो है तो जेसीबी की मदद से जो है तो खुदाई का काम चल रहा है और खुदाई के जरिए उसके तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, और आतियातन तौर पर जो है तो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो है बच्ची तक पहुंचाए जाने की जो है तो कवायद कर दी गई है, लेकिन अब तक जो बड़ी बात यह है कि अब तक उसका कोई खोज खबर नहीं लग सका है। हालांकि प्रशासन ने अपने तौर तरीके से कैमरे भी डालकर उसकी निगरानी करने की भी कोशिश की है और बताया भी जा रहा है कि एक कैमरा उसके अंदर लगाया गया है ताकि उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, निगरानी की जा सके, लेकिन जो जिस तरीके से यह हादसा हुआ है और हादसे की बात है, चूंकि अचानक से प्रशासन के पास ऐसी कोई टूल्स या ऐसी तमाम जो है तो व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी, यही कारण है कि सिंगरौली जो जिला प्रशासन है उसे बड़ा चुनौती से भरा ये ऑपरेशन होगा, चूंकि 100 फीट बहुत बड़ी गहराई होती है और इतनी तमाम जो व्यवस्थाएं वहां पर रेस्क्यू टीम के पास होनी चाहिए वो भी नहीं है, अंधेरा भी हो चुका है और भी कई सारे पहलू हैं,
फिलहाल आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट में लेती रहूंगी। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। पेंड्रा में खराब सड़क बनी है ग्रामीणों की मुसीबत। बता दें आपको, मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर गांव तक आना मुश्किल हो चुका है। गांव में पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर तक सफर करना पड़ता है। छोटा और सीधा रास्ता कीचड़ और गड्ढों से भरा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने, कीचड़ गड्ढों से भरा हुआ ये रास्ता आप देख रहे हैं, जहां पर लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है यहां से गुजरना। तो राजनांदगांव की तस्वीर आपको, तूफान पर आ चुकी है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे के गांवों को अलर्ट जारी किया गया। नदी का जलस्तर बढ़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी में भी प्रशासन जुटा हुआ है। तो वहीं अगली तस्वीर आपको धमतरी की देखिए, धमतरी की तस्वीर, जहां पर बारिश से नदियां उफान पर आ चुकी हैं। महानदी पर बने रुद्री बैराज से पानी छोड़ा गया। नदी किनारे के गांवों में अलर्ट भी जारी किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, गरियाबंद की बात करते हैं, जहां घायल तेंदुए की हालत खराब होती जा रही है। पांडुगा के सांकरा गांव में घायल मिले तेंदुए की जान बचाने की कोशिश 12 घंटे से हो रही है और अब उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। तेंदुए को CPR और ऑक्सीजन दी गई है। बता दें कि 11 KV के तार की चपेट में आने से तेंदुआ घायल हुआ था, जिसे बचाने के लिए वेटनरी डॉक्टरों की टीम और वन अमला जुटा हुआ है। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। सिंगरौली में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची, बच्ची को निकालने की कोशिशें जारी। नीमच में तालाब में डूबने से 15 साल की बालक की मौत, घर में स्कूल के लिए निकला बच्चा। उज्जैन में 2 मंजिला जर्जर मकान गिरा, हादसे में वृद्धा की मौत, एक घायल। रायसेन में अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरी बस, हादसे में 4 यात्री घायल। खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर में शीघ्र दर्शन के नाम पर दलाली करने वालों पर कार्रवाई। रायपुर में स्टील उद्योगपतियों की बैठक खत्म, प्लांट बंद करने का लिया फैसला। बीजापुर में 1 लाख के इनामी सहित 14 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कवर्धा में जर्जर स्कूल को ठीक करने की मिली मंजूरी, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। छत्तीसगढ़ के सभी 184 नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण पखवाड़े का आयोजन। जांजगीर चांपा में मनरेगा का भुगतान नहीं मिलने पर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। ग्वालियर में दंडहाड़े गोली मारकर महिला की हत्या, CCTV में गोली मारते दिखे बदमाश। देवास में दफ्तर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। भिंड में दंडहाड़े बाजार में गुंडागर्दी, बेल्ट से मारपीट का वीडियो आया सामने। भिंड में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 10 लाख के आभूषणों के साथ ही 3 को किया गिरफ्तार। देवास में शिप्रा नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी आने पर पूजा अर्चना कर चढ़ाई चंदी। खंडवा में सावन के दूसरे सोमवार को भगवान ओंकारेश्वर ने बारिश के बीच किया नौका बहन। नर्मदापुरम में नदी पार कर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हुए ग्रामीण। राजनांदगांव में रुक रुक कर बारिश होने की वजह से उफान पर शिवनाथ नदी। धमतरी में महानदी के रुद्री बैराज से छोड़ा गया पानी, नदी किनारे गांवों में किया गया अलर्ट जारी। खंडवा में भारी बारिश, 3 से पुलिया अंडरपास में भारी पानी, फंसी कार को जेसीबी से बाहर। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।